इन्वेस्टर कंपनी ने अगर इन्वेस्टी कंपनी के शेयर्स बाय किए तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? नंबर वन कि इन्वेस्टर ने इन्वेस्टी कंपनी के अप टू 20% शेयर्स खरीदे होंगे, तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट वोटिंग पावर। इन दैट केस इन्वेस्टर ने अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनानी ही बनानी है, लेकिन अगर इन्वेस्टर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हाउ वुड वी रिपोर्ट दिस अप टू 20% होल्डिंग? बिकॉज हमारा कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं है एंड नीदर वी कंट्रोल इट। तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इस कंपनी को शो करेंगे एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एज अ फाइनेंशियल एसेट अंडर IFRS 9, जो कि हमें बताता है कि या तो आप इस कंपनी को FVTPL पे रख सकते हैं या तो FVTOCI पे रख सकते हैं। दिस इज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। एटलीस्ट इस वजह से दिस होल्डिंग कंपनी या इन्वेस्टर कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब हम किसी को कंट्रोल करते हो। इफ वी आर पेरेंट कंपनी एंड इन्वेस्टी इज अ सब्सिडरी कंपनी दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय वन ऑफ मोर और दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अवर कंपनी, लेकिन अगर हम किसी वजह से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं भी, तो उस इस इन्वेस्टमेंट को तो हम एज पर IFRS 9 ही दिखाएंगे। या तो आप इसको रखेंगे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पे, या फिर आप इसको रखेंगे फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे, विच इज एन इरेवोकेबल इलेक्शन। अगर आपने एट द टाइम ऑफ रिकग्निशन ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो हम इसको FVTOCI पे रख रहे होंगे। दूसरी कहानी क्या हो सकती है कि अगर हमारे पास किसी कंपनी के 20% से ज्यादा लेकिन 49% तक शेयर्स हैं, तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में हम इसको रिपोर्ट करेंगे सेम एज एन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, एज एन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, एज अ फाइनेंशियल एसेट, और इस वजह से वी आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकॉज दिस इज जस्ट एन एसोसिएट। लेकिन अगर इसके अलावा कोई कंपनी जिसके सिग्निफिकेंट वोटिंग पावर हमारे पास है, कोई सब्सिडरी हमारे पास है, तो हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो इसको हम शो करेंगे एज पर IAS 28, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में इसको हम शो करेंगे इक्विटी अकाउंटेड। लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन नहीं होगी, लेकिन वन लाइन कंसोलिडेशन होगी। लेकिन बेयर इन माइंड कि अगर यही आपके पास होल्डिंग है, यही एसोसिएट है, इसके अलावा किसी कंपनी को आप कंट्रोल नहीं करते, कोई सब्सिडरी आपके पास नहीं है, तो आप इसकी वजह से बिलखुसूस कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते। आप इसको इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में FVTPL या FVTOCI पे ही रखेंगे। व्हाट कम्स नेक्स्ट कि अगर हमारे पास किसी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स है, और अगर हमारा वोटिंग पावर 50% से ज्यादा है एंड नोबडी एल्स इज अलाउड टू चैलेंज योर डिसीजन, तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हमें फिर भी बनानी है, और उसमें हम इसको भी दिखाएंगे एज पर IFRS 9, जबकि यहां पे अप्लाई हो जाएगा IFRS 3 एंड IFRS 10, जिसके तहत हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो सब्सिडरी को लाइन बाय लाइन कंसोलिडेट करते हैं। पहला हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल, एंड गुडविल इज व्हाट इज द एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन प्लस द फेयर वैल्यू ऑफ NCI ओवर द फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स। ये गुडविल होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो नहीं दिखा सकती,
लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही दिखा सकती है। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, हम उसके तमाम नेट एसेट्स को अपने नेट एसेट्स के साथ प्लस कर देंगे, लेकिन किस वैल्यू पे प्लस करेंगे, एट द फेयर वैल्यू एट डेट ऑफ एक्विजिशन। ऐसा नहीं है कि हम हर साल इसको रिवैल्यू करते रहेंगे, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन आपने सब्सिडरी को अक्वायर किया है, उस दिन यह लाजिम है कि आप सब्सिडरी के तमाम नेट एसेट्स को रिवैल्यू करें। तमाम से मेरा मकसद है, चाहे इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स में आप उसको रिवैल्यू करते हो या ना करते हो, चाहे उसके इंडिविजुअल स्टैंडर्ड में उसको रिवैल्यू करने की इजाजत हो या ना हो, लेकिन सब्सिडरी के पास डेट ऑफ एक्विजिशन पे जितने भी नेट एसेट्स होंगे, चाहे वो इन्वेंट्री ही क्यों ना हो, बेयर इन माइंड इन्वेंट्री के ऊपर अप्लाई होता है IAS 2, जो कि कहता है दैट इन्वेंट्री मस्ट बी मेजर्ड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। हालांकि अगर उसकी NRV बढ़ी हुई है, अगर उसकी फेयर वैल्यू बढ़ी हुई है, तो हम उसको बढ़ी हुई वैल्यू पे नहीं दिखा सकते, हम उसको फिर लोअर वैल्यू कॉस्ट पे दिखाएंगे। यहां वो रूल अप्लाई नहीं होगा, ओनली एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। चाहे इन्वेंट्री हो जिसकी रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं है एज पर IAS 2, लेकिन जब IFRS 3 बोलेगा तो उसके सामने कोई नहीं बोलेगा, हमने सब्सिडरी के तमाम नेट एसेट्स को रिवैल्यू करना है और सब्सिडरी के तमाम नेट एसेट्स को पेरेंट के नेट एसेट्स के साथ जोड़ देना है। तीसरा हम क्या करते हैं, हम एक नया अकाउंट बनाते हैं जो कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कंसोलिडेशन में आता है, जिसका नाम क्या होता है, NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसकी नेचर क्या है, जिस तरह हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि ऑल्सर है, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल है, एक्सपेंस है, रेवेन्यूज हैं या कॉन्ट्रा एसेट्स हैं, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई, थोड़ा अब इस पे टाइम लेके सोचो कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की नेचर क्या है, इज इट एन एसेट, इज इट अ लाइबिलिटी। NCI इज बेसिकली इक्विटी, जो कि क्रेडिट पे रहेगा। अब हम ये कंसोलिडेशन में पहले पढ़ चुके हैं कि NCI को डेट ऑफ एक्विजिशन पे रिवैल्यू किया जाता है, यानी जितने नंबर ऑफ शेयर्स पेरेंट ने नहीं खरीदे, वो जिन माइनॉरिटी के पास हैं, जिन लोगों के पास हैं, जिन इंडिविजुअल्स के पास हैं, जिन कंपनीज के पास हैं, क्योंकि वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, हम बोलेंगे वो चुप रहेंगे, कंट्रोलिंग पार्टी हम हैं, वी आर पेरेंट कंपनी, वी आर होल्डिंग कंपनी। तो जिनके पास बाकी रिमेनिंग, लेट्स से वी हैव गॉट 70% शेयर्स, उनके पास 30% शेयर्स हैं, तो उन 30% शेयर्स वालों को हम कहते हैं NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। उन 30% शेयर्स की एट द डेट ऑफ एक्विजिशन जो भी शेयर प्राइस होती है, जो भी मार्केट वैल्यू होती है शेयर्स की, हम उस पे NCI को रिकॉर्ड कर लेते हैं एट फेयर वैल्यू। उसके बाद सब्सिडरी जितने भी प्रॉफिट्स करती है, लॉसेस करती है, या उसकी इक्विटी में जिस किस्म की कोई भी चेंजेस आती हैं, उसका 70% हम अपने साथ कंसोलिडेट करते हैं और 30% हम NCI को देते हैं। बहरहाल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन NCI को रखा जाएगा फेयर वैल्यू पे, और पोस्ट एक्विजिशन के जितने भी चेंजेस होंगे वो हम NCI को भी देंगे, अपनी रिटेनिंग्स में या अपनी इक्विटी में कैपिटलाइज भी करेंगे, टोटल प्लस भी करेंगे। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, बेसिकली What happens if we dispose of our holding? Dispose of करने में multiple levels हो सकते हैं। Dispose करते वक्त ऐसा हो सकता है कि subsidiary के जितने भी shares हमारे पास थे, वो सब के सब हमने बेच दिए हैं। We have lost the control. Possibility ये है कि this was our only subsidiary. If this was your only subsidiary, इसका मकसद अब आप consolidated financial statements तो बनाएंगे ही नहीं और बना ही नहीं सकते। जबकि possibility number 2 क्या हो सकती है कि this was one of the subsidiaries we own. इसके अलावा भी subsidiaries हमारे पास हैं, यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो पहले भी बनती थी, अभी भी बनेंगी, लेकिन अब ये नहीं रहेगी उसमें, क्योंकि इसको हमने फुल डिस्पोज ऑफ कर दिया।
फुल डिस्पोज ऑफ करने का मकसद, अगर हमारे पास एक कंपनी के 75% शेयर्स थे तो हमने वो पूरे के पूरे 75% शेयर्स बेच दिए। सिंस वी नो लॉन्गर कंट्रोल दिस कंपनी, अब उसकी गुडविल दिखाने का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, उसके नेट एसेट्स अपने साथ दिखाने का कोई जवाब नहीं है, उसके NCI को अब हम NCI नहीं कह सकते क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रही। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहले हमारे पास इतने शेयर्स थे कि इन्वेस्टी कंपनी हमारे लिए सब्सिडरी की हैसियत रखती थी, लेकिन इसको हमने बेचा इतना कि अब ये सिर्फ हमारे लिए एक फाइनेंशियल एसेट बन चुकी है। एग्जाम्पल, अगर वी हैड 75% शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी से क्यू लिमिटेड और उसके हमने 60% शेयर्स बेच दिए, तो 75 में से अगर 60% प्रोपोर्शन हमने बेच दिया, 60% शेयर्स हमने बेच दिए, वी आर लेफ्ट विद जस्ट 15%। सो कुड हैव बीन पॉसिबल कि अगर हम 65% बेच देते थे तो बाकी हमारे पास 10% रह जाते, क्योंकि हम लेस देन 20% वाली कैटेगरी में आ गए तो सब्सिडरी टू फाइनेंशियल एसेट आ जाएगा। यानी पहले इसके ऊपर अप्लाई हो रहा था IFRS 3, IFRS 10, अब इसके ऊपर अप्लाई होगा IFRS 9। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब IFRS 9 को हम ये फाइनेंशियल एसेट देंगे, ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट देंगे, तो किस वैल्यू पे देंगे? ऑप्शन नंबर 1 कॉस्ट, ऑप्शन नंबर 2 फेयर वैल्यू। वी विल डू गो विद ऑप्शन नंबर 2, एंड दिस इज नॉट एक्चुअली ऑप्शन, दिस इज रिक्वायरमेंट। हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है, जो बचे हुए 15% या 10% शेयर्स हैं, हम उस दिन पे एट द डेट ऑफ डिस्पोजल उनको रिवैल्यू करेंगे और जो उनकी फेयर वैल्यू होगी उस वैल्यू पे हम उनको IFRS 9 के हवाले कर देंगे। उसके बाद IFRS 9 जाने, उसका काम जाने, FVTPL पर रखता है, FVTOCI पर रखता है, वो उसके सर का दर्द है, हमारे सर का दर्द नहीं है। लेकिन सिंस वी हैव लॉस्ट द कंट्रोल हियर एज वेल, दिस कंपनी, दिस इन्वेस्टिंग कंपनी इज नो लॉन्गर अ सब्सिडरी, वी नो लॉन्गर हैव द कंट्रोल ऑन दिस, हम उसकी गुडविल को खैर बात कर देंगे, उसके NCI को रुख्सत कर देंगे, उसके नेट एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट से खारिज कर देंगे। एंड इफ दिस वॉज द ओनली सब्सिडरी तो हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनाएंगे ही नहीं, फिर तो हम सिर्फ इंडिविजुअल बनाएंगे। लेकिन इफ दिस इज द वन ऑफ द सब्सिडरीज वी ओन, तो हम कंसोलिडेशन में इसकी अलग ट्रीटमेंट करेंगे और इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में इसकी अलग ट्रीटमेंट करेंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दैट अर्लियर जब हालात ठीक थे तो दिस यूज टू बी अ सब्सिडरी और अब हमने इसको इतना बेच दिया कि कंट्रोल तो चला गया लेकिन इन्फ्लुएंस रह गया। Say if we had 80% shares of Q Limited, जिसमें से 50% shares मैंने निकाल दिए, 80 का 50 नहीं लेकिन 50% होल्डिंग मैंने बेच दी, आई एम लेफ्ट विद 30% shares. 30% shares फॉल कर रहे हैं associate वाली कैटेगरी में। अगर दिस वॉज द ओनली सब्सिडरी, वी आर नो लॉन्गर सपोज टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम सिर्फ ये दिखाएंगे कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको किस तरीके से रिपोर्ट किया जाएगा। बट इफ दिस इज द वन ऑफ द सब्सिडरीज वी ऑन, यानी इसके अलावा भी हमारे पास सब्सिडरीज हैं, हम कंसोलिडेशन तो अपनी तरफ से जारी रखेंगे, हाँ, लेकिन उस कंसोलिडेशन में इसकी गुडविल नहीं होगी, इसका NCI नहीं होगा, इसके नेट एसेट्स अब हमारे साथ नहीं जुड़ सकते। लेकिन अब ये हमारी स्टेटमेंट में लाइन बाय लाइन कंसोलिडेटेड नहीं होगी, सिंगल लाइन कंसोलिडेटेड होगी एज पर IAS 28। लेकिन IAS 28 में जब हम इक्विटी अकाउंटिंग करते हैं तो हम शो करते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट प्लस शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन नेट असेट्स। अब वहां पे जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिखाई जाएगी वो किस वैल्यू पे दिखानी चाहिए, क्योंकि पहले तो वो सब्सिडरी थी, मैंने सिर्फ एसोसिएट तो नहीं खरीदी। ऐसे केस में क्या होगा, हम जो रिमेनिंग एसेट्स हैं, जो रिमेनिंग 30% होल्डिंग है, उसको हम रीवैल्यू करेंगे, जो भी उसकी फेयर वैल्यू होगी दैट वुड बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अब के बाद ये कंपनी जितने भी प्रॉफिट करेगी हम उसको अपने साथ लाइन बाय लाइन कंसोलिडेट नहीं करेंगे, बल्कि उसको सिंगल लाइन कंसोलिडेट करेंगे, यानी उसके जितने भी पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस इन नेट एसेट्स हैं उसका शेयर हम अपने साथ कंसोलिडेट करते चलेंगे। लेकिन लाइन बाय लाइन उसकी गुडविल, उसके नेट एसेट्स, उसकी लाइबिलिटीज, उसके NCI अब हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। ये तीन सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे वी
ऑब्जर्व अ लॉस ऑफ कंट्रोल। और चौथी सिचुएशन जिसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है उसको हम कहते हैं नो लॉस ऑफ कंट्रोल। दैट मींस सब्सिडरी टू सब्सिडरी। पहले भी ये कंपनी हमारे लिए सब्सिडरी थी, लेट्स से वी हैड 80% शेयर्स, अभी भी ये हमारे लिए सब्सिडरी है, लेट्स से हमने सिर्फ 10% शेयर्स बेच दिए। तो अर्लियर वी हैड 80% शेयर्स, नाउ वी हैव 70% शेयर्स, लेकिन गुडविल अपनी जगह पे रहेगी, लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन ऑफ नेट एसेट्स अपनी जगह पे रहेगी, एनसीआई अपनी जगह पे रहेगा। सिर्फ एक फर्क होगा कि पहले एनसीआई 20% था, अब एनसीआई 30% हो जाएगा, एनसीआई बढ़ जाएगा, इक्विटी एनसीआई बढ़ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जितने 10% शेयर्स हमने बेचे हैं उसमें से कुछ पैसे हमें भी तो मिलेंगे, डेबिट कैश होगा, लेकिन कंसोलिडेशन पे ओवरऑल इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं पहले लॉस ऑफ कंट्रोल की। अगर इन तीन सिचुएशंस में वी लूज द कंट्रोल तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इसको किस तरीके से दिखाएंगे। बेयर इन माइंड हालात कुछ भी हो, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनेंगी ही बनेंगी, चाहे इकलौती सब्सिडरी थी, चाहे इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सब्सिडरीज हैं। कंसोलिडेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन भी सकती हैं, नहीं भी बन सकती, लेकिन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हर सूरत बनेंगी ही बनेंगी। इंडिविजुअल में हम क्या करेंगे, मैं तमाम केसेस कवर कर रहा हूं, हम देखेंगे सेल प्रोसीड्स, यानी आपने इस कंपनी के शेयर्स कितने में बेचे हैं, चाहे तमाम बेच दिए, चाहे कुछ रख लिए, चाहे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख लिया, चाहे कंट्रोल मेंटेन कर लिया, लेकिन जितना भी बेचा कितने में बेचा, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इन चारों सिचुएशन को सेम तरीके से देखा जाएगा, दे आर नॉट डिफरेंट, ये एक ही तरीके से देखे जाएंगे। चाहे तमाम शेयर्स बेच दिए, चाहे एसेट रख लिया, चाहे एसोसिएट रख लिया, चाहे सब्सिडरी ही रख ली, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो रिकॉर्डिंग होगी वो सेम ही होगी। सेल प्रोसीड्स, जितने पैसे आपको मिले हैं, जितनी कंसिडरेशन आपको मिली है इनको बेचने से, माइनस करेंगे प्रोपोर्शन ऑफ कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रोपोर्शन उस सूरत में अगर हमने कुछ रखा है, लेट्स से सब्सिडरी को हम रीवैल्यू नहीं करते, ऐसा हमारी मर्जी है, जिस तरह मैंने यहां पे कहा, अगर हम इन दोनों केसेस में कॉस्ट पे रखें ऐसा अलाउड है, लाइक इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी या इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, हम FVTPL या FVTOCI पे नहीं रखते, बल्कि कॉस्ट पे रखते हैं जितने पे हमने खरीदा था, क्योंकि अगर हम रिवैल्यू करेंगे तो गुडविल कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें अलाउड है कि हम उसको कॉस्ट पे कैरी कर सकते हैं। अगर कि आपने सारे के सारे बेच दिए तो जितने में बेचे और जितने के वो थे आप इसमें से माइनस कर देंगे, जिस तरह हम किसी भी नॉन करंट एसेट का गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, 75% में से 65% बेच दिए, बाकी 10% रह गए। अब मैंने अगर इन शेयर्स को लेट्स से 75 लाख में खरीदा था और मैंने इसको 75 लाख रुपए पे ही रखा हुआ है, लेकिन 75 लाख में तो 75% शेयर्स खरीदे गए थे ना, बेचे तो हमने 65 लाख है, 65% है, तो हम अगर 75 लाख को 65% शेयर्स की सेल प्रोसीड से कंपेयर करेंगे, विच इज अनफेयर, हम रखेंगे प्रोपोर्शन, यानी 75 लाख मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइड बाय 75, तो ये आ जाएगी 65% शेयर्स की प्रोपोर्शन। सेम केस अप्लाई है, अगर हमारे पास पहले 80% शेयर्स थे जिसमें से 50% शेयर होल्डिंग हमने बेच दी, वी आर लेफ्ट विथ 30%।
अगर वो 80% शेयर्स हमने मिसाल 1,60,00,000 में खरीदी थी, तो 1,60,00,000 में तो आपने 80% शेयर्स खरीदे थे और उसमें से बेचे आपने हैं 50%, बाकी 30% तो आपने रखे हुए हैं, तो 30% भी तो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि बेचे ही नहीं हैं, हमने बेचे हैं सिर्फ और सिर्फ 50%, तो सेल प्रोसीड भी रखेंगे 50% शेयर्स की और कैरिंग वैल्यू भी रखेंगे 50% शेयर्स की। कैसे निकाला जाएगा? 1,60,00,000 मल्टीप्लाई बाय 50 जितना आपने बेचा है, डिवाइडेड बाय 80 जितना आपके पास था, तो दैट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कितने की थी और कितने में बेची गई है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा दैट वुड बी द गेन, और अगर नेगेटिव में आ गया तो लॉस ऑन डिस्पोजल। ज्यूरिसडिक्शन पे डिपेंड करता है कि हम कौन से कंट्री और कौन सी इकोनॉमी या कौन से टैक्स रूल्स के ऊपर है, लेकिन अगर ऐसा है कि इसके ऊपर सीजीटी लगता है, तो जितना भी गेन हमें हुआ होगा उस पर टैक्स लगेगा और ये बच जाएगा आफ्टर टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल। अगर आपके दिमाग में आता है लॉस के केस में क्या होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द ज्यूरिसडिक्शन। अगर आपको रिलीफ दिया जाता है, जितना भी नुकसान हुआ है उस पर आपको लेट्स से 30% या 25% रिलीफ दिया जाता है, तो हम उसमें प्लस कर देंगे और पोस्ट टैक्स लॉस दिखा देंगे। अगर गेन के केस में टैक्स है, सीजीटी है, कैपिटल गेन टैक्स है, और लॉस के केस में निल है, जीरो है, कोई टैक्स नहीं देना, रिलीफ भी नहीं मिलेगा, तो हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। लिहाजा हम, मैं इसको जनरली डिस्कस कर रहा हूं, किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में डिस्कस नहीं कर रहा। यह हमें एग्जाम क्वेश्चन बेहतर तौर पर बताएगा कि टैक्स के रूल्स क्या है। मोस्ट कॉमनली ऐसा होगा कि गेन होगा और गेन के ऊपर हम टैक्स माइनस करेंगे, बाकी पोस्ट टैक्स गेन होगा। ये जो गेन होगा ये हम अपनी इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स के अंदर शो करेंगे इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बट बेयर इन माइंड दिस इज इन द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम बात करते हैं about consolidated financial statements। अक्सर teachers या अक्सर students एक working follow करते हैं, working two, जिसमें हम क्या करते हैं, subsidiary के net assets की fair value रखते हैं at the date of acquisition, at reporting year end and post acquisition। ये तीन हम columns बनाते हैं कि share capital कितना था, शेयर प्रीमियम कितना था, रिटेन अर्निंग्स कितनी थी, कोई रिवैल्यू हुई है प्रॉपर्टी, कोई इंटेंजिबल एसेट नया आया है, कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कोई प्रोविजन है, वो सब हम वहाँ पे रखते हैं। अगर हम वो वर्किंग फॉलो करते हैं तो अब हम क्या करेंगे, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एट रिपोर्टिंग ईयर एंड तक नहीं जाएंगे, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल तक रुक जाएंगे कि जिस दिन हमने सब्सिडरी को डिस्पोज कर दिया। सो देयर वुड बी कॉस्ट लाइक एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, there would be at the date of disposal and post acquisition। क्योंकि disposal के बाद, मिसाल अगर हमने mid-year dispose किया है, हमने December की बजाय September में dispose off कर दिया 30th September पे, तो October, November, December पे तो मेरा कोई right नहीं रहता, मैं उन तीन महीनों को तो अपने साथ consolidate नहीं करूँगा, तो I would rather prefer कि मैं उसको date of disposal पे रखूँ। अक्सर exam के questions में ऐसा दिया जाता है कि date of disposal year end पे ही रखी जाती है। If that is the case, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। Otherwise, bear in mind कि हमें year end तक नहीं जाना, हमें date of disposal पर रुक जाना है। Consolidated financial statements में क्या होगा? अब के बारे में बात कर रहा हूं loss of control के ऊपर। If you have disposed of your subsidiary, पहली पॉसिबिलिटी तमाम शेयर्स बेच दिए, दूसरा कुछ रख लिया, तीसरा कुछ रख लिया, बहरहाल आप डेबिट करेंगे जितने पैसे आपको मिले हैं या जितनी कंसिडरेशन आपको मिली है। इस बात पे थोड़ा ध्यान रखिएगा,
MCQs या CBEs के अंदर जहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वहाँ तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस नहीं हैं, लेकिन जहाँ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वहाँ इसके चांसेस अपनी जगह पे मौजूद हैं। अक्सर क्वेश्चंस में अकाउंटेंट एक गलती करता है, वो क्या करता है, मिसाल मैंने 1,60,00,000 रुपए में एक सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे थे, वो मेरी बैलेंस शीट में दिख रहे थे, उसमें से मिसाल के तौर पे मैंने 50% शेयर्स बेच दिए और वो 50% शेयर्स मैंने 1,20,00,000 रुपए में बेच दिए, तो वो क्या करता है, डेबिट करता है कैश 1,20,00,000 से, क्रेडिट कर देता है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 1,20,00,000 से, जो कि गलत है। जितने में आपने बेची है वो आप माइनस नहीं कर सकते, आप उसका प्रोपोर्शन जरूर उड़ा सकते हैं, लेकिन 1,80,00,000 में अगर आपने 80% शेयर्स खरीदे थे और अगर आपने उसमें से 50% शेयर्स बेच दिए हैं 1,25,00,000 में, तो आप 1,25,00,000 यहां से नहीं माइनस कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये वो अमाउंट है जितने में आपने बेचा है, आप उसकी कैरिंग वैल्यू जरूर माइनस कर सकते हैं। अगर वो क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कर चुका है तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी आपको जो बैलेंस शीट दी जाएगी उसमें कम दिखेगी और अल्टीमेटली आप जो गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो भी गलत हो सकती है। तो पहला काम आपने ये करना है कि अकाउंटेंट की इस गलती को रिवर्स करना है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को डेबिट कर देना है बाय द सेल प्रोसीड्स एंड क्रेडिट कर देना है कैश इन बैंक थोड़ी देर के लिए, ताकि उसकी गलती पहले ठीक हो जाए। फिर हम आते हैं, पैसे तो हमें मिले हैं, या शेयर्स मिले होंगे या बॉन्ड्स मिले होंगे, जो भी कंसिडरेशन आपको मिली है आपने डेबिट करना है। अगर आपने 100% बेच दिया तो बस यही मिल सकता था, लेकिन अगर आपने कुछ शेयर्स अपने पास रखे हैं तो हमने क्या करना है, उन शेयर्स को रिवैल्यू करना है, कॉस्ट पे नहीं रखना, फेयर वैल्यू पे रखना है। और फेयर वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। अगर आपके पास लेट्स से 10-15% शेयर्स हैं तो उनकी फेयर वैल्यू, अगर आपके पास 30% शेयर्स हैं जो कि एसोसिएट है तो उसकी फेयर वैल्यू, जो कुछ भी हो। आपने डेबिट मार दिया, फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, यहां पे इस बात को हम समझ सकते हैं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी तो दिखती नहीं है क्योंकि वो गुडविल की शक्ल अख्तियार कर जाती है कंसोलिडेटेड में। तो हम एक नई इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन इन्वेस्टमेंट, ये मैं डिटेल में बता रहा हूं। अदरवाइज क्या होगा, या तो आप डेबिट करेंगे फाइनेंशियल एसेट अगर 10-15% शेयर्स हैं, या तो आप डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अगर मोर देन 20% शेयर्स हैं। तो इन दोनों में से कुछ भी डेबिट हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर्स कितने रखे हैं। कितने पे रखा जाएगा वो है फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट, यानी उन 10-15% शेयर्स की जो फेयर वैल्यू है या उन 30% शेयर्स की जो फेयर वैल्यू है वो हम यहां पे डेबिट मार देंगे। अब हम देखेंगे कि कंसोलिडेशन की वजह से सब्सिडरी की क्या क्या चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन सब को निकाल देंगे। मिसाल, सब्सिडरी का NCI कितने पे रिकॉर्डेड होगा, फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ नेट एसेट्स अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। भाई डिस्पोजल के बाद तो मैं भी नहीं ले रहा, आपको कहां से दूंगा, एनसीआई को कहां से दूंगा। मिसाल अगर 31 दिसंबर 2021 मेरा क्लोजिंग ईयर एंड है और मैंने सब्सिडरी को बेच दिया है 30 सितंबर 2021 पे, तो अक्टूबर से दिसंबर तक तो मैं ही नहीं ले रहा, एनसीआई को कहां से दूंगा। मैं NCI को जब कैलकुलेट करूंगा वो डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ डिस्पोजल तक का जो डिफरेंस होगा उसका 30% या 20% या 25% जो भी है वो उसको दूंगा। पहले हम NCI कैलकुलेट करेंगे और हम NCI को फिर डेबिट मार देंगे। क्योंकि मैंने वाजे किया था कि NCI की नेचर क्या है, इक्विटी, और इक्विटी जब होती है तो क्रेडिट पे रहती है, बढ़ती है तो क्रेडिट पे रहती है, लेकिन जब इक्विटी खत्म कर रहे हैं, हम कह रहे निकलो यहां से भाई, अब हमने बेच दिया, तो NCI जो हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा रहे थे और अभी भी दिखाएंगे लेकिन दूसरों का ये वाली सब्सिडरी का NCI हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि ये सब्सिडरी ही हमारे साथ नहीं है, तो उसका जितना भी NCI है हम यहां से मार देंगे डेबिट। उसके अलावा सब्सिडरी की गुडविल,
हमारे साथ कंसोलिडेटेड थी, अब हम गुडविल का भी क्या करेंगे? हम बोलेंगे आप भी निकल जाओ, क्योंकि जिसकी आप हो, जिसकी वजह से आप आई थी, वो सब्सिडरी ही बिक गई, तो हम क्रेडिट मार देंगे गुडविल। किसकी गुडविल निकालेंगे? ऑफ डिस्पोज्ड सब्सिडरी। भाई देखो, हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं ना भाई, तो इसके अलावा भी सही है, इसके अलावा भी तो मेरे पास सब्सिडरीज हैं, इसके अलावा भी तो सब्सिडरीज की गुडविल मेरे साथ होगी। मैं सिर्फ उस सब्सिडरी की गुडविल को फारिग करूंगा जो सब्सिडरी अब यहां से फारिग हो चुकी है। वैसे ये गुडविल वही होगी जो कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन थी, क्योंकि गुडविल रिवैल्यू तो होती नहीं है, लेकिन गुडविल इंपेयर जरूर हो सकती है। अगर क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि डेट ऑफ एक्विजिशन की जो गुडविल थी वो डेट ऑफ डिस्पोजल तक 20% इंपेयर हो चुकी थी, 25% इंपेयर हो चुकी थी, 50% इंपेयर हो चुकी थी, तो हम देखेंगे बाकी जो बची हुई थी अब हम उसको निकालेंगे। जो इंपेयर हो गई वो तो वैसे ही चली गई थी। अगर कहता है फुली इंपेयर हो चुकी थी तो गुडविल तो खत्म थी, लेकिन अगर गुडविल हमारे सामने मौजूद है तो जितनी अनइंपेयर्ड गुडविल हमारे साथ कंसोलिडेटेड थी उस सब्सिडरी की जो कि हमने बेच दी है उसको हम निकाल देंगे। हमारे एसेट से उसके एसेट निकाल दो, हमारे लाइबिलिटीज से उसकी लाइबिलिटीज निकाल दो। एसेट में से एसेट निकालने के लिए क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी में से लाइबिलिटी निकालने के लिए डेबिट करेंगे, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, क्रेडिट मार देते हैं नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। बाद सवाल को आसान करने के लिए सवाल में बता दिया जाता है कि डेट ऑफ डिस्पोजल पे सब्सिडरी के नेट एसेट्स कितने थे, सही है, उसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करवाता। तो हम देखेंगे उसके नेट एसेट्स कितने थे, उसको हमने यहां से मार दिया क्रेडिट, उसकी इक्विटी को इक्विटी से खारिज कर दिया, उसके एसेट्स को एसेट से खारिज कर दिया, उसकी लाइबिलिटी को लाइबिलिटी से खारिज कर दिया, उसकी गुडविल को एसेट से खारिज कर दिया, और जितने पैसे हमें मिले उसको हमने डेबिट किया, और जो बाकी इन्वेस्टमेंट रह गई जो अब आइंदा आने वाले सालों में जो रिमेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या तो IFRS 9 के हिसाब से दिखेगी या तो IAS 28 के हिसाब से दिखेगी, वो हमने दिखा दिया यहां पे। अब ये दोनों साइड्स बैलेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर डिफरेंस डेबिट पे आया तो इसको कहा जाएगा लॉस ऑन डिस्पोजल एंड दिस वुड बी द बैलेंसिंग फिगर, और अगर डिफरेंस क्रेडिट पे आया तो दिस वुड बी द गेन ऑन डिस्पोजल एंड दिस वुड बी द बैलेंसिंग फिगर। अगर सवाल में ये कहता है कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में जो गेन हुआ है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो अगर हम कंसोलिडेशन के हिसाब से गेन निकालते हैं और वो गेन तो ऑलरेडी पेरेंट के स्टेटमेंट्स में है तो डबलिंग हो जाएगी, दो दो बार गेन आ जाएगा, सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा लेकिन दो बार आएगा। याद रखिएगा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इंडिविजुअल कंपनी को गेन हुआ होगा ये हम रिवर्स कर देंगे, ये हम डिलीट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि जो इंडिविजुअल पेरेंट ने गेन दिखाया है वो भी दिखा दें और जो कंसोलिडेशन में पेरेंट को गेन हुआ है वो भी दिखा दें, नो, डबलिंग नहीं करनी है। इंडिविजुअल में ये वाला गेन दिखेगा या लॉस दिखेगा, जबकि कंसोलिडेशन में सिर्फ ये वाला गेन या लॉस दिखेगा, दोनों नहीं दिख सकते। अगर सवाल कहता है कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो चुकी है, इसका मकसद इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में सब्सिडरी के डिस्पोजल पे जो गेन था या लॉस था वो रिकॉर्ड हो चुका है, हम उसको यहां से खारिज कर देंगे, एक रहेगा दो नहीं रहेंगे। वेरस इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जो इम्पैक्ट होगा वो स्लाइड डिफरेंट होगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफकोर्स इज प्रिपेयर्ड एज एट द एंड ऑफ द ईयर एंड, तो अगर हमने इवन एट 31st December या 30th September जो भी हमारा ईयर एंड है उस दिन की शाम पर भी सब्सिडरी को निकाला है ना, तो हम बैलेंस शीट को यूं वीरान कर देंगे जैसे कि सब्सिडरी कभी हमारे पास थी ही नहीं, ना उसकी गुडविल दिखेगी, ना उसके एसेट्स दिखेंगे, ना उसकी लाइबिलिटीज, ना उसका NCI। लेकिन हमारे दौरे हुकूमत में जब तक वो सब्सिडरी हमारे साथ रही थी उसने जितना भी प्रॉफिट किया था, उसने जितनी भी उसकी इक्विटी में इजाफा आया था उस पर मेरा राइट है। तो व्हाट वुड हैपन कि जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम टाइम अपोर्शन करेंगे, फेयर टाइम अपोर्शन का मकसद क्या होगा, लेट्स से फॉर इंस्टेंस हम
क्लोजिंग कर रहे हैं 31st मार्च 2022, और हमने सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ कर दिया था बाय 31st दिसंबर 2021। तो 12 महीने में से 9 महीने सब्सिडरी हमारे साथ रही है, बाकी 3 महीने सब्सिडरी हमारे साथ नहीं रही है। तो हम जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो उसमें जो रेवेन्यू हमने दिखाना है उसमें पेरेंट का रेवेन्यू आएगा, और बाकी सब्सिडरीज अगर आपके साथ मौजूद होंगी ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, और जो डिस्पोज सब्सिडरी है उसको हम करेंगे टाइम अपोर्शन। लेट्स से मेरी मिसाल के मुताबिक 9/12। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लेते हैं। अच्छा, इसमें से इंट्रा ग्रुप रेवेन्यू वगैरह माइनस किया जाता है, वो आप अलग करेंगे, उसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, जो कि कंसोलिडेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स में है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पेरेंट आएगा, सब्सिडरीज वो जो आपके साथ मौजूद है, और वो सब्सिडरी जिसको आपने निकाल दिया उसके कॉस्ट ऑफ सेल को भी 9/12 करेंगे। फिर इसमें जो यूआरपी का इम्पैक्ट है और इंट्रा ग्रुप की एडजस्टमेंट्स हैं वो हम अपने हिसाब से करेंगे, जो हम हमेशा से करते आए हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी को शो किया जाएगा, ठीक वैसे किया जाएगा जो हमने अभी डबल एंट्री के थ्रू कैलकुलेट किया था। कहीं कहीं इसको डबल एंट्री के फॉर्मेट में नहीं भी रखा जाए तो भी चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तब बनता है जब हम गुडविल को क्रेडिट करें, नेट एसेट्स को क्रेडिट करें, एनसीआई को डेबिट करें, कैश को डेबिट करें, रिटेन इन्वेस्टमेंट्स की फेयर वैल्यू को डेबिट करें, तो एक लॉजिक सी बन जाती है और उसकी कैलकुलेशन में ज़्यादा एसेट्स ट्रबल नहीं होती है। खैर, उसके बाद जिस तरह हमने दिखाया गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, वो एक इजाफी आइटम आएगा जो कि पहले मौजूद नहीं था, लेकिन यहां पे कौन सा वाला आएगा, इंडिविजुअल वाला नहीं आएगा, कंसोलिडेशन वाला आएगा। अगर इसमें पहले से ही इंडिविजुअल वाला गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल मौजूद है तो उसको हम हटा देंगे, उसको हम रिवर्स कर देंगे, क्योंकि एक रहेगा दो नहीं रहेंगे और एक ही रहेगा कौन सा, कंसोलिडेशन वाला, हम इसको ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पे जो बकिया इन्वेस्टमेंट है अगर के वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस पे है, राइट, तो क्या करना है, सितंबर तक या दिसंबर तक, अगर हमारा ईयर एंड 31 मार्च 2022 है तो हमने 31 दिसंबर पे सब्सिडरी को निकाल दिया, लेकिन वो 31 दिसंबर पे सब्सिडरी खत्म होकर एफईटीपीएल फाइनेंशियल एसेट बन गई, तो जनवरी से लेकर दिसंबर के आखिर, जनवरी से लेकर मार्च तक 3 महीने में उसके शेयर्स की वैल्यू ऊपर नीचे हुई होगी। 31 दिसंबर पे तो मैंने उसको रिवैल्यू करके डेबिट मारा था अपनी बैलेंस शीट में, याद रखें फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन इन्वेस्टमेंट वो तो डेबिटेड है, लेकिन अब अगर उसकी वैल्यू मजीद बढ़ी है तो उसका गेन एसेट्स में डेबिट होगा, यहां क्रेडिट होगा, और अगर उसकी वैल्यू गिर गई है तो यहां डेबिट होगा, वहां क्रेडिट होगा। तो जितना भी एफईटीपीएल गेन या लॉस है ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वो हम यहां शो कर देंगे। लेकिन अगर जो बकाया इन्वेस्टमेंट है वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाली है, यानी एसोसिएट है, तो पहले 9 महीने हमने इस सब्सिडरी को दिखाना है एज सब्सिडरी, और बाद के 3 महीने हमने इस सब्सिडरी को दिखाना है एज एसोसिएट। तो हम रखेंगे शेयर ऑफ एसोसिएट्स पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। अब पहले 9 महीने वाला रेवेन्यू हमारे साथ है, कॉस्ट हमारे साथ है, अल्टीमेटली सारा प्रॉफिट हमारे साथ है, और आखिर में जब हम एट्रीब्यूशन करते हैं प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी होल्डर्स ऑफ पेरेंट एंड एनसीआई, वो अपने हिसाब से एनसीआई को हम तोड़ देंगे, अलग कर देंगे। लेकिन ये जो 3 महीने हैं जनवरी टू मार्च, उसमें वो कंपनी हमारे साथ रही है बहैसियत एक एसोसिएट, तो हम उसको जितना भी उसका प्रॉफिट है उसका शेयर अपने साथ, लेट्स से 30% मैंने मेरी एग्जाम्पल में रखा था, वो हम अपने साथ रखेंगे, एंड दिस वुड बी लेट्स से रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर फुल डिस्पोजल है तो अब हमारा नाता टूटा, अब वो कंपनी हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती, ना वो हमारे लिए एसोसिएट है, ना हमारे लिए वो सब्सिडरी बची है, ना हमारे लिए वो एक सादा इन्वेस्टमेंट है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर तो हम यू दिखाएंगे,
जबकि जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे और रिमेंबर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट तभी बनाई जाएगी जब इसके अलावा भी और सब्सिडरीज हमारी जागीर हैं, हमारे पास हैं। अगर ये इकलौती सब्सिडरी थी तो हम इंडिविजुअली बनाएंगे। अब कंसोलिडेशन किसके लिए बनाएंगे जब कोई है ही नहीं तो? लेकिन अगर और है तो हम क्या करेंगे, अपने एसेट्स में पेरेंट के एसेट्स और सब्सिडरीज के एसेट्स जबकि डिस्पोज सब्सिडरीज के एसेट्स हमारे एसेट्स में नहीं जुड़ेंगे। इक्विटी के अंदर तो डे वन से रूल है कि पेरेंट का 100% आता है और सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन का शेयर आता है। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं जीआरई की, ग्रुप रिटेन अर्निंग्स। इसमें हम क्या लेंगे, पेरेंट के लेंगे और जो जिंदा सब्सिडरीज हैं उसका भी पोस्ट एक्विजिशन शेयर लेंगे और जो डिस्पोज सब्सिडरी है उसका भी पोस्ट एक्विजिशन शेयर हम लेंगे। लेकिन ये कब तक लिया जाएगा, अप टू डिस्पोजल। भाई ये याद रहे कि क्योंकि ये सब्सिडरी 9 महीने तो मेरे पास रही है ना, और अगर इसको मैंने आज से 4 साल पहले खरीदा था तो 4 साल और 9 महीने मेरे पास रही है। मेरे दौरे हुकूमत में सब्सिडरी ने जो कुछ कमाया मैं अपने पास रखूंगा, वो नहीं दे दूंगा किसी नए शेयर होल्डर्स को। तो उसका पोस्ट एक्विजिशन शेयर, एज आई सेड, वर्किंग टू बनाते वक्त हम क्या करेंगे, एक डेट ऑफ एक्विजिशन रखेंगे, एक डिस्पोजल डेट रखेंगे। तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो पोस्ट एक्विजिशन होगा। हाँ, ईयर एंड तक नहीं लेके आऊंगा, जो जनवरी फरवरी मार्च का रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो मैं अपने साथ कंसोलिडेट नहीं कर सकता, लेकिन जो पहले 9 महीने है उस पर मेरा पूरा हक बनता है। और लाइबिलिटीज में भी हम क्या करेंगे, पेरेंट की लाइबिलिटी और जिंदा सब्सिडरीज, इसके अंदर भी हम डिस्पोज सब्सिडरी की लाइबिलिटीज इंक्लूड नहीं करेंगे। और कंसोलिडेशन हमेशा इंडिविजुअल से कंसोलिडेट की जाती है, कंसोलिडेशन से कंसोलिडेशन नहीं बनाई जाती। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि इसके एसेट्स और लाइबिलिटीज पहले से ही इंक्लूडेड होंगे, हो नहीं सकता, क्योंकि हमें इंक्लूड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट उठाया, सब्सिडरी वन सब्सिडरी टू उठाया, जो सब्सिडरी थ्री हमने बेच दिया उसको हम अपने साथ कंसोलिडेट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन उसकी जो रिटेन अर्निंग्स है अप टू डेट ऑफ डिस्पोजल वो हम अपने साथ जरूर कंसोलिडेट करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात करते हैं डिस्पोजल विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल। इस केस में क्या होगा, हम सब्सिडरी को बेचेंगे तो सही, लेकिन सब्सिडरी को नहीं बेचेंगे, कुछ शेयर्स बेच देंगे। ऐसा मुमकिन है कि हमारे पास पहले 100% शेयर्स थे, होली ऑन सब्सिडरी थी, उसके 20% शेयर्स हमने बेच दिए। पहले एनसीआई था ही नहीं, अब एनसीआई बन जाएगा। या ऐसा मुमकिन है कि पहले 80% शेयर्स थे, उसमें से 10% शेयर्स हमने बेच दिए। पहले एनसीआई 20% था, अब एनसीआई 30% हो जाएगा। गुडविल अपनी जगह पे कायम रहेगी। नेट एसेट्स, भाई अगर 51% वाली सब्सिडरी हो या 100% वाली सब्सिडरी हो, एसेट्स तो हम 100% कंसोलिडेट करते हैं ना, लाइबिलिटी तो हम 100% कंसोलिडेट करते हैं ना, वहां पे कोई फर्क नहीं आएगा। गुडविल तो हम 100% दिखाते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क आएगा सिर्फ एक जगह पे, एनसीआई। एनसीआई पहले हम दिखाते थे 20%, अब हम दिखाएंगे 30%, द ओनली डिफरेंस। बाकी सब्सिडरी अपनी जगह से नहीं हिलेगी। गुडविल को पहले भी हम फुल गुडविल दिखाते हैं, चाहे हमारे पास 70% होल्डिंग हो, 90% होल्डिंग हो, 100% होल्डिंग हो, 60% होल्डिंग हो, गुडविल तो वैसे ही 100% दिखाई जाती है। तो ये नहीं कहेंगे कि हम 10% गुडविल उड़ा दें, क्यों भाई, गुडविल तो वैसे ही पूरी दिखाई जाती है, गुडविल पे इंपैक्ट नहीं आएगा। एसेट्स हम वैसे ही टोटल करते हैं, लाइबिलिटीज हम वैसे ही टोटल करते हैं। तो जो चीज़ें हम 51% वाली सब्सिडरी के भी अपने साथ जोड़ते हैं वो 70% वाली के भी जोड़ेंगे, उन पे कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ एक जगह पे फर्क कहां आएगा, अगर देयर इज नो लॉस ऑफ कंट्रोल, तो हम डेबिट करेंगे
कैश्योर बैंक, जितने में आपने इसको बेचा है. ऑफ कोर्स बेचने से पैसे ही मिलेंगे, जरूरी नहीं है पैसे मिले, कोई और कंसिडरेशन मिल सकती है, कोई शेयर्स मिल सकते हैं, कोई फाइनेंशियल एसेट मिल सकता है. और क्रेडिट करेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट NCI. ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसको थोड़ा ध्यान से समझना है. हम कैलकुलेट करेंगे या हम कैलकुलेट करते हैं नॉन कंट्रोलिंग कैसे, इंटरेस्ट कैसे. जितनी भी फेयर वैल्यू होती है NCI की एट एक्विजिशन, प्लस करते हैं इसमें शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट्स. लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे पास 80% शेयर्स हैं, तो NCI के पास 20% शेयर्स थे, ये हमने प्लस कर दिए, यानी ये हमारा आ गया NCI बिफोर डिस्पोजल 20% के हिसाब से. अब क्या होगा, मैं एग्जांपल ये ले रहा हूं, सोल्ड 10% शेयर्स आउट ऑफ 80%. तो पहले हमारा NCI 20% था, अब क्योंकि 10% शेयर्स हमने और बेच दिए तो हमारे पास हो गए 70% और NCI के पास आ गए 30%. हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन NCI 10 डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग NCI 20. ये 20% है, इसको डिवाइड किया 20 से तो 100 पे चला गया, उसका 10 निकाल दिया, ये आ जाएगा हमारा इंक्रीज इन NCI. और NCI इक्विटी है, इक्विटी इंक्रीज हुई है मतलब क्रेडिट हुई है, तो इतने से हमारा NCI हो गया इंक्रीज. ये मैंने कर दिया क्रेडिट इंक्रीज इन NCI बाय दिस अमाउंट. ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस डेबिट पे आ सकता है या डिफरेंस क्रेडिट पे आ सकता है. इस डिफरेंस को गेन या लॉस नहीं कहा जाता. ठीक है, इसको गेन भी नहीं कहा जाएगा, लॉस भी नहीं कहा जाएगा और प्रॉफिट लॉस में भी नहीं भेजा जाएगा. अगर डिफरेंस डेबिट पे आया तो इसको कहा जाता है नेगेटिव चेंज इन इक्विटी, और ये कहा जाएगा इक्विटी रिजर्व्स में जाएगा, प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा, रिटेन अर्निंग्स में नहीं जाएगा. और अगर डिफरेंस आ गया क्रेडिट पे तो इसको नाम दिया जाएगा पॉजिटिव चेंज इन इक्विटी, इसको गेन नहीं कहा जाएगा और इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं भेजा जाएगा, रिटेन अर्निंग्स में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी या किसी दूसरे इक्विटी रिजर्व में भेजा जाएगा, इसको रिटेन अर्निंग्स में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि इसको हम ना गेन कह सकते हैं ना लॉस कह सकते हैं. दिस इज नो लॉस ऑफ कंट्रोल, और ये शेयर होल्डर्स के दरमियान ही ट्रांजेक्शन हुई है, लेकिन पेरेंट पहले भी हम थे अभी भी हम हैं. बाकी एसेट्स अपनी जगह पे, गुडविल अपनी जगह पे, NCI बाकी अपनी जगह पे, सिर्फ ये वाला NCI अब उसमें प्लस हो जाएगा जो अभी हमने क्रेडिट किया, ये सिर्फ प्लस होगा. और रिटेनिंग्स में क्या इंपैक्ट आएगा, पहले हम रिटेनिंग्स को ऐड करते थे बाय 80%, अब हम रिटेनिंग्स को करेंगे बाय 70%. मिसाल ग्रुप रिटेन अर्निंग्स की अगर हम बात करें, तो हम क्या करेंगे, सब्सिडरी का जितना भी प्रॉफिट है बिफोर डिस्पोजल उसको हम लेंगे 80% प्लस सब्सिडरी का जितना भी प्रॉफिट है आफ्टर डिस्पोजल उसका हम लेंगे 70%.
भाई जब तक मेरे पास थी 9 महीने तब 80% था, मैं 80% प्रॉफिट उठाऊंगा, और जब मैंने दिसंबर में उसका 10% बेच दिए एनसीआई को, तो अब एनसीआई की परसेंटेज 30 हो जाएगी और मेरी परसेंटेज 70 हो जाएगी। सिर्फ इतना सा फर्क आएगा, बाकी किसी चीज पे कोई भी फर्क नहीं। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, इनफैक्ट थोड़ा लेंदी है एज कम्पेयर टू एमसीक्यूज, लेंदी है लेकिन ठीक है, एक प्रैक्टिस करके देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रेंज लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ऑपरेट्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ये है, ग्रेंज पार्क एंड फेंस तीन कंपनीज हैं, PPE है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, पार्क में इन्वेस्टमेंट भी ग्रेंज ने की हुई है, फेंस में इन्वेस्टमेंट भी ग्रेंज ने की हुई है, सिटन में इन्वेस्टमेंट भी ग्रेंज ने की हुई है। सो दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक ग्रेंज जो पेरेंट है उसी के पास तीन सब्सिडरीज दिख रही है, सब्सिडरीज या दो सब्सिडरीज और एक इन्वेस्टमेंट दिख रही है, पार्क, फेंस और तीसरा सिटन है। करंट एसेट्स हैं, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स तीनों के गिवन है, अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी तीनों के गिवन है, नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स एंड प्रोविजंस हैं, दोनों साइड्स बैलेंस हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर वन, ऑन 1 जून 2008, आप देखिए ऊपर जो ईयर एंड है वो 30 नवंबर 2009 है और ये बात कर रहा है 1 जून 2008, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने ये हो गए और 12 महीने वो हो गए, तो दिस इज टोटल 18 मंथ्स। ग्रेंज अक्वायर्ड 60% ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट ऑफ पार्क, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, द परचेज कंसिडरेशन कंप्राइज्ड कैश ऑफ $250 मिलियन। इसको हमने फॉरन वेरीफाई करना होता है कि ऊपर जो आपकी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज दिख रही है वो कितने पे दिख रही है। वी कैन सी कि हमने जो 60% इंटरेस्ट खरीदा है वो $250 मिलियन में खरीदा है और ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इन पार्क दिख रही है वो 340 की दिख रही है। द एक्सेस एक्सक्लूडिंग द फ्रेंचाइज रेफर्ड बिलो, द फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स वॉज $360 मिलियन। द एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल लैंड। ये वाजे है कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हमें सब्सिडरी के तमाम नेट एसेट्स को रिवैल्यू करना होता है, तो जब हमने इसको रिवैल्यू किया तो उनकी वैल्यू 360 है फ्रेंचाइज को छोड़ के, और जितना भी इजाफा है वो एक नॉन डेप्रिशिएबल लैंड की वजह से है। नॉन डेप्रिशिएबल है तो पोस्ट एक्विजिशन में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का क्या सीन है, पार्क हेल्ड अ फ्रेंचाइज राइट विच ऑन 1 जून 2008 हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ $10 मिलियन, दिस हैड नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्क, द फ्रेंचाइज एग्रीमेंट हैड अ रिमेनिंग टर्म ऑफ 5 ईयर्स टू रन एट द डेट एंड इज नॉट रिन्यूएबल, पार्क स्टिल होल्ड्स दिस फ्रेंचाइज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ऊपर जो $360 मिलियन है उसमें इस फ्रेंचाइज एग्रीमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया और ना ही पार्क की अपनी बैलेंस शीट के अंदर इसको शामिल किया गया है, और क्योंकि हमने तमाम नेट एसेट्स को रिवैल्यू करना है, चाहे कोई ऐसी चीज जो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रिकॉग्नाइज ही नहीं हो सकती, मिसाल IAS 38 के हिसाब से कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है जो कि IAS 38 रिकॉग्नाइज करने की इजाजत नहीं देता, सॉरी 37 रिकॉग्नाइज करने की इजाजत नहीं देता, या कोई इंटेंजिबल एसेट है जो IAS 38 रिकॉग्नाइज करने की इजाजत ही नहीं देता, लेकिन जब हम कंसोलिडेशन करेंगे तो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हम तमाम नेट एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे और ऐसा कोई इंटेंजिबल एसेट या ऐसी कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी जो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं भी देता लेकिन जब IFRS 3 बोलेगा तो कोई नहीं बोलेगा, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ग्रेंज अक्वायर्ड अ फर्दर 20% इंटरेस्ट फ्रॉम NCI इन पार्क ऑन 30 नवंबर 2009। आप देख सकते हैं बिल्कुल साल के आखिरी दिन पे हमने उससे 20% मजीद खरीदे हैं, पहले हमारे पास थे 60% और मजीद हमने खरीदे 20%, तो वी हैव गॉट 80%। ये डिस्पोजल नहीं है, ये फर्दर एक्विजिशन है, लेकिन फर्दर एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी टू सब्सिडरी या डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी टू सब्सिडरी इज ट्रीटेड इन द सेम वे, वहां NCI इंक्रीज होता है, यहां NCI डिक्रीज होता है, बाकी इसकी डबल एंट्री बिल्कुल सेम पास की जाती है, तो हमें हेल्पफुल रहेगी। कितने में खरीदा है, $90 मिलियन में, वी कैन सी पहले हमने खरीदे थे $250 मिलियन में प्लस मजीद खरीदे हैं 90 में, तो 250 प्लस 90 अगर करें तो ऊपर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन पार्क दिख रही है 340, लेकिन गुडविल हम 340 पे नहीं दिखा सकते, गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे एंड ऑन द डेट व्हेन वी ऑब्टेंड कंट्रोल, वी अक्वायर्ड कंट्रोल, और हमें कंट्रोल 60% पे ही मिल गया था, तो गुडविल हम तभी कैलकुलेट करेंगे, बाद में नो लॉस ऑफ कंट्रोल के केस में या नो इंक्रीज इन कंट्रोल के केस में, क्योंकि कंट्रोल तो पहले ही हमारे पास था, गुडविल तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे, तो हम किसी भी चीज को नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ NCI का इंक्रीज और डिक्रीज और कैश का आना या जाना चेक करेंगे।
नोट नंबर टू, ऑन 31 जुलाई 2018, ये अब दो महीने बाद की बात होगी, जून और जुलाई छोड़ के तो बाकी रहेगा 16 महीने, ग्रेंज अक्वायर्ड 100% ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट ऑफ फैंस फॉर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ $214 मिलियन। लेकिन ऊपर अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट इन फैंस दिख रही है 134, जो कि 214 से मैच नहीं कर रही, कम दिख रही है, देखना पड़ेगा कि गड़बड़ क्या है। द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स ऑफ फैंस हैड अ प्रोविजनल फेयर वैल्यू ऑफ $202 मिलियन। व्हाट इज प्रोविजनल फेयर वैल्यू? के बिकॉज IFRS 3 हमें रिक्वायर करता है कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन हमें तमाम नेट एसेट्स को रिवैल्यू करना है, तो हम जब किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को कहते हैं कि हमें इसकी फेयर वैल्यूएशन चाहिए, तो वो हमें एक टेंटेटिव वैल्यू दे देता है जो कि प्रोविजनल होती है, और उसकी कन्फर्मेशन वो बाद में करता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर वो प्रोविजनल की कन्फर्मेशन 12 महीने के अंदर अंदर आ जाती है, मिसाल यहाँ पे 31 जुलाई पे हमने खरीदा है फैंस को, अगर 31 जुलाई से 12 महीने के अंदर अंदर यानी 31 जुलाई 2009 के अंदर अंदर हमें ये कंफर्मेशन मिल जाती है, तो उसको हम एक्विजिशन पे ही काउंट करेंगे। लेकिन अगर प्रोविजनल पेंडिंग रिसीट 12 महीने से लेट हो जाती है, यानी हमें जाके अगस्त 2009 में कंफर्म होता है कि बाकी जो एसेट्स जिनकी वैल्यू हम नहीं कर पाए थे वो कितनी थी, तो उसको हम एक्विजिशन में नहीं शामिल करेंगे, उसको हम पोस्ट एक्विजिशन में ही शामिल करेंगे। तो एक प्रोविजनल वैल्यू उसने दी थी टेंटेटिव 202 मिलियन, इंक्लूडिंग एनी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, इसमें से कंटिंजेंट लाइबिलिटीज भी डिडक्टेड है। एट द टाइम ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन फैंस हैड अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी विद अ फेयर वैल्यू ऑफ $30 मिलियन। At 30th November 2009, the contingent liability met the recognition criteria of IAS 37, contingent liabilities and contingent assets, and the revised estimate of this liability was $25 million. The accountant of fence is yet to account for this revised liability. पहले ये contingent थी, IAS 37 के हिसाब से criteria meet नहीं कर रही थी, लेकिन IFRS 3 कहेगा कि भाई record होगा, सब record होगा, तो जो contingent liability है वो भी हमें 30 पे record करनी पड़ेगी, और उसके बाद उसकी वैल्यू होगी 25 मिलियन, जो 5 मिलियन है उसको हम अभी पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में रिवाइज करेंगे। हाउ एवर ग्रेंज हैड नॉट कंप्लीटेड द वैल्यूएशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ फेंस एट 31 जुलाई 2008, एंड द वैल्यूएशन वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय 30th नवंबर 2008। कोई मसला नहीं है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने हुए ना, मैंने आपको दौरानिया कितना बताया था 12 महीने का, अगर डेट ऑफ एक्विजिशन से 12 महीने के अंदर अंदर कंफर्मेशन आ जाती है तो वो मान ली जाएगी, अगर 12 महीने से लेट हो जाती है तो उसको हम पोस्ट एक्विजिशन में डाल देंगे, अभी तो 4 महीने हुए हैं। द वैल्यूएशन वॉज रिसीव्ड ऑन 30th जून 2009, यानी 1st अगस्त टू 30th जून, ये हो गए 10 महीने, तो हमें अंदर अंदर ही मिल गई, या इनफैक्ट 11 महीने तो अंदर अंदर ही मिल गई, तो हम इसको मान लेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन पे मान लेंगे। And the excess of fair value over the book value at the date of acquisition was estimated at $4 million. The asset had an economic useful life of 10 years at 31st July 2008. The retained earnings of fence were $73 million. OCE was $9 million at 31st July 2008 before any adjustment for the contingent liability. Correct ho gaya. On 30th November 2009, saal ke bilkul aakhri din ki baat hai, Grange, yani parent, disposed of 25% of its equity interest in fence to non-controlling interest for a consideration of $80 million. अच्छा, हमने originally इसको खरीदा कितने का था, 214 का, माइनस हमने इसको बेचा कितने का, $80 million का, तो अगर हम माइनस करें तो बाकी बैलेंस रह जाता है 134, जो कि मैंने आपको एक कॉमन फ्लॉ बताया था, अक्सर अकाउंटेंट ये भंड मारता है, वो क्या करता है कि जितने में हमने सब्सिडरी को खरीदा था उसकी कॉस्ट, और जितने में हमने सब्सिडरी का एक प्रोपोर्शन बेचा है, भाई जितने में बेचा है वो सेल प्रोसीड है, हम उसकी कैरिंग वैल्यू से माइनस कर सकते हैं, सेल प्रोसीड से माइनस नहीं कर सकते। लेकिन भाईजान ने क्या किया, वो पूरे के पूरे 80 मिलियन उसमें 214 से माइनस कर दिए हैं, नतीजतन वो 134 पे आ गया है, जो कि गलत है, और क्योंकि हमने 25% बेचा है, हमारे पास था इसका कितना 100% था ना फैंस का, तो 25% बेचने से वी आर नॉट लूजिंग द कंट्रोल, सिर्फ ये होगा कि पहले NCI था ही नहीं, अब NCI आ जाएगा, बट दिस इज नॉट अ गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, बट दिस वुड बी ईदर पॉजिटिव चेंज इन इक्विटी और नेगेटिव चेंज इन इक्विटी, और इसको हम गेन या लॉस नहीं शो करेंगे, इसको OCE के अंदर भेजा जाएगा, अभी हम करके देखते हैं। ऑन 30th जून 2008, ग्रेंज हैड अक्वायर्ड 100% इन्वेस्टमेंट इन सिटन,
100% मतलब सब्सिडरी थी तो होनी चाहिए थी लेकिन इसने शो नहीं की. देख लेते हैं क्या मसला हुआ है. विच इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ $39 million. सिटेंस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स पर फेयर वैल्यूड है $32 million. अब 100% है, हमने खरीदा 39 में और उसकी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट 32 थी, यानी 7 मिलियन की गुडविल. सीधी सीधी बात है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआर तो हो नहीं सकता क्योंकि 100% होली ओन्ड है. ऑन 30th November 2009, साल के बिल्कुल आखिर में, ग्रेंज डिस्पोज्ड ऑफ 60% ऑफ इक्विटी ऑफ सिटन. 100 में से 60 बेच दिया, बाकी 40. तो दिस सीम्स टू बी अ केस ऑफ सब्सिडरी टू एसोसिएट वेयर द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स पर $36 million. जब हमने खरीदा था तब 32 थे और जब हमने बेचा तब 36 है. तो 4 मिलियन का जो इजाफा है नेट एसेट्स में वो हमारी दौरे हुकूमत में हुआ है. ऑफ दिस इंक्रीज इन नेट एसेट्स $3 million हैज बीन रिपोर्टेड इन प्रॉफिट लॉस एंड $1 million हैज बीन रिपोर्टेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एज अ प्रॉफिट ऑन अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट. ये थोड़ा पुराना सवाल है. अदरवाइज अवेलेबल फॉर सेल का मकसद FVTOCI होता है, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होता है. द सेल प्रोसीड्स वॉज $23 million. अच्छा आप देख सकते हैं हमने सिटन को खरीदा कितने में था, 39 में. तो हमारे पास सिटन 39 में आनी चाहिए थी और हमने उसका जो 60% होल्डिंग है वो बेची कितने में है, 29 में. तो अगर मैं 39 में से 29 माइनस करूं तो आप देख सकते हो 16 मिलियन दिखेगा. ऊपर देखें इन्वेस्टमेंट इन सिटन कितनी है, 16 मिलियन. वही सेम वाला भंड जो कि हमेशा अकाउंटेंट मारेगा, जब मर्जीद इन्वेस्टमेंट करेगा तो ऐड कर देगा, जब कोई इन्वेस्टमेंट बेचेगा तो एज इट इज सेल प्रोसीड्स को माइनस कर देगा. क्या कर रहा है भाई, सेल प्रोसीड थोड़ी माइनस हो सकती है, उसकी कैरिंग वैल्यू माइनस हो सकती है, बाकी गेन या लॉस और डिस्पोजल होगा. बहरहाल इसको हम ठीक करते हैं. फिर द रिमेनिंग इक्विटी इंटरेस्ट जो बाकी 40% है जिसको अब हम दिखाएंगे एज एन एसोसिएट, लेकिन अब अगले साल से होगा क्योंकि इस साल तो पूरा आपने सब्सिडरी के मजे ले लिए. तो $13 million की उसकी फेयर वैल्यू है. ग्रेंज कुड स्टिल एक्सर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, यानी हमारे पास अब एसोसिएट है आफ्टर द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द इंटरेस्ट. द ओनली अकाउंटिंग एंट्री मेड इन ग्रेंज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज टू इंक्रीज कैश एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिटन. अच्छा अब हम इसको ठीक करते हैं. पहले हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि सिलसिला क्या है. कंपनी जो पेरेंट है दैट इज ग्रेंज, ग्रेंज ने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है पार्क में. पार्क में इन्वेस्टमेंट कितनी है, पहले की थी 60%, फिर प्लस किया 20%. तो पहले हम 60% एनसीआई दिखाएंगे और बाद में हम 20 यानी 40% एनसीआई दिखाएंगे, बाद में हम 20% एनसीआई दिखाएंगे. और पहले की रिटेनिंग्स को हम 60% देंगे और बाद की रिटेनिंग्स को हम 80% कंसोलिडेट करेंगे. अच्छा ये हो गया पार्क के साथ. दूसरा हमने फेंस को अक्वायर किया था. फेंस के हमने अक्वायर किए थे पहले 100% शेयर्स, बाद में इसके बेच दिए थे 25% शेयर्स. तो फेंस के जब हमारे पास वो होली ओन्ड सब्सिडरी है हम कोई एनसीआई नहीं दिखाएंगे, और जब हमने उसका कुछ हिस्सा बेच दिया तो हम एनसीआई दिखाना शुरू कर देंगे. और दूसरी बात कि जब तक वो हमारे पास होली ओन्ड रही है हम उसकी रिटेनिंग्स को 100% कंसोलिडेट करेंगे. जब हमने उसका 25% बेच दिया उसके बाद उसकी रिटेनिंग्स को हम 75% कंसोलिडेट करेंगे. तीसरा केस है सिटन का. सिटन भी पहले हमारे पास 100% ओन्ड थी, बाद में हमने इसका 60% बेच दिया एंड वी लॉस्ट द कंट्रोल. फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बना के देखते हैं. पहले बात करते हैं पार्क की. फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ पार्क एक हम रखते हैं एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, दूसरा हम रखते हैं ईयर एंड, और तीसरा हम रख रहे हैं पोस्ट. नेट एसेट्स का मकसद इज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज. टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज इक्विटी, और इक्विटी में क्या आएगा, एक आएगा शेयर कैपिटल, ये बात तय रहती है कि सब्सिडरी बनने के बाद कभी भी शेयर्स इशू नहीं करेगी. हमारे किसी भी एग्जाम क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा कि पहले सब्सिडरी के इतने शेयर्स थे बाद में उसने इतने शेयर्स इशू किए, बिकॉज हमारा कंट्रोल डाइल्यूट हो सकता है. क्योंकि सब्सिडरी बनने के बाद शेयर्स इशू नहीं कर सकती, तो यू कैन सी इसके पहले भी 230 होंगे और ईयर एंड पे भी 230 होंगे,
और पोस्ट एक्विजिशन में कभी भी इसके शेयर्स में मूवमेंट नहीं आ सकती। बाद में बात आती है रिटेन अर्निंग्स की। जब हमें कंट्रोल हासिल हुआ तो नीचे नोट में लिखा हुआ था कि फैंस की रिटेन अर्निंग्स थी 115 जब हमने उसको खरीदा है, और अभी बैलेंस शीट में देखें तो उसकी रिटेन अर्निंग्स हैं 170। तो 170 अब हो गई है माइनस 115 जब थी, यानी जब तक हमारे पास वो रही है ईयर एंड तक अभी भी मौजूद है, तो हमने $55 million का प्रॉफिट किया है। उसके अलावा देयर इज अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी। जब हमने खरीदा था तब इसकी अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी की वैल्यू थी 10 million, और अभी अगर देखें तो वो ये 14 million, यानी 4 million का इजाफा हमारे दौरे हुकूमत में हुआ है। इसके नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू 360 है एक्सक्लूडिंग फ्रेंचाइज। तो हम डिफरेंस देखेंगे, जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है, नॉन डेप्रिशिएबल लैंड की वजह से है। 230 का शेयर कैपिटल, 115 के रिटेनिंग्स और 10 का ओसीई, ये बन रहा है 355, जबकि कैरिंग वैल्यू 355 है और फेयर वैल्यू 360 है। ये 5 का इजाफा लैंड की वजह से है। लैंड क्योंकि नॉन डेप्रिशिएबल है तो जितनी उसकी वैल्यू एक्विजिशन पे होगी उतनी ही ईयर एंड पे होगी, और अब इसकी वैल्यू बन रही है 230 प्लस 170 प्लस 14 प्लस 5 419। यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं ये डिफरेंस आ रहा है 59 का, लेकिन दिस इज एक्सक्लूडिंग द फ्रेंचाइजिंग राइट। अब हम इसमें ऐड करते हैं फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का इसने सीन ये बताया था कि उस दिन इसकी वैल्यू थी $10 million जो कि इंक्लूडेड नहीं है, तो मैंने इंक्लूड कर दी, और हम इस फ्रेंचाइज राइट को करेंगे अमोर्टाइज। कहा यह है कि इस फ्रेंचाइज की जो लाइफ है वो 5 साल है, तो मैं 10 को डिवाइड करूंगा 5 से, हर साल 2-2 million से होगा, और इसकी एक्विजिशन 1 June से लेकर 30 November 2009 तक 1.5 साल गुजर चुका है। तो इसको मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, 10 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1.5 साल से और डिवाइड करूंगा 5 साल से, तो ये आ गया 3 million। इसकी अमोर्टाइजेशन हो गई है 3 million की, और फ्रेंचाइज राइट जो बाकी बचा है वो 7 million पे बचा है। अब इसके साथ मेरे नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू 370 हो गई, और अगर 419 प्लस 10 माइनस 3 करते हैं तो ये बन रही है 426, और ऐसे निकालें या वैसे निकालें ये फर्क बन रहा है 56 का। पार्क पहले भी हमारी सब्सिडरी थी, अभी भी हमारी सब्सिडरी है, फर्क सिर्फ ये हुआ है कि पार्क का कुछ इंटरेस्ट हमने बेचा है शायद, या मजीद खरीदा है, पहले 60 था फिर 20 मजीद खरीदा, ठीक है। इसका इंपैक्ट हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं फेंस के ऊपर। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ फेंस एक्विजिशन पे, इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया कंप्लीट, तो ईयर एंड और पोस्ट। नेट एसेट्स का मकसद टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, यानी कैपिटल, क्योंकि सब्सिडरी बनने के बाद शेयर इशू नहीं कर सकती, तो वी कैन सी के फेंस का जो शेयर कैपिटल है वो 150 है। नेक्स्ट शेयर प्रीमियम वगैरह कोई नहीं है, लेकिन रिटेन अर्निंग्स हैं। जिस दिन हमने फेंस को खरीदा था उस दिन इसके नेट एसेट्स की वैल्यू, इनफैक्ट इसके पास जो रिटेन अर्निंग्स थी वो 73 की थी, और आज बैलेंस शीट में इनकी वैल्यू 65 है, कम हुई है, ठीक है। आई कैन सी 8 million का नुकसान हुआ है। ओसीई अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी, जिस दिन हमने खरीदा था उस दिन इसके इक्विटी की वैल्यू 9 million थी, और अभी ओसीई की वैल्यू 17 million है। यहां 8 million का फायदा दिख रहा है।
लेस करते हैं, इसके पास एक कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, जिसकी वैल्यू 30 मिलियन थी, लेकिन इसने कहा कि ईयर एंड पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 25, तो यहां पे हमें 5 का बेनिफिट है। अगर इसकी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स देखें तो प्रोविजनली इट वॉज 202 मिलियन, यानी अगर हम 150 प्लस 73 प्लस 9 माइनस 30 करें तो इट वॉज 202, और इसकी प्रोविजनल फेयर वैल्यू भी 202 ही थी, यानी कोई गेन या लॉस इसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में नहीं था। लेकिन मैंने बताया था कि अगर प्रोविजनल पेंडिंग 12 महीने के अंदर अंदर हमें मिल जाती है तो हम उसको काउंट कर लेंगे, और इसने कहा था कि हमें ये जून में मिल गई थी, यस, और इसकी वैल्यू बताई थी 4 मिलियन मजीद इजाफी, जो कि पीपीई की वजह से है। तो ये मैंने रख दिया 4 मिलियन यहाँ, तो ये बन जाएंगे 206 मिलियन, जो कि 4 मिलियन क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर मिल गए थे। अच्छा, और इसने फिर साथ ही ये भी बताया था कि जो प्रोविजनल पेंडिंग रिसीट्स की वैल्यू हमें मिली थी 4 मिलियन, उसकी जो रिमेनिंग लाइफ थी वो 10 साल थी, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 10 साल से, हर साल का 0.4 यानी 4 लाख। लेकिन सिलसिला ये है कि हमने फैंस को देखें अक्वायर कब किया है, जुलाई के आखिर में, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने ये, फिर नवंबर से नवंबर 16 महीने। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 12 महीने से, मल्टीप्लाई करते हैं 16 महीने से, तो इसकी डेप्रिसिएशन होगी 0.53। 0.53 से अगर माइनस करते हैं 4 मिलियन तो इसकी बाकी वैल्यू बन जाती है 3.47। इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो 0.53 है, याद रहे ये 16 महीनों की डेप्रिसिएशन है। दिस इज द ड्यूरेशन बिटवीन द डेट सेंस वी हैव अक्वायर्ड इट एंड ईयर एंड। ओके, अब ये वैल्यूएशंस कैलकुलेट करते हैं। 150 का कैपिटल है, 65 का आरई है, 17 का माइनस 25 की प्रोविजन आ गया, एंड प्लस 3.47 का पीपी आ गया। सो दिस इज 210.47, अगर आपको राउंड अप करके 5 भी करना चाहो तो कोई इशू नहीं है। सो 210.47 माइनस करते हैं 206, दैट इज 4.47। ओके, लास्ट रह गया सिटन, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सिटन। अच्छा, सिटन की हमें वैसे डिटेल्स गिवन नहीं है, एक हम एक्विजिशन रखेंगे और दूसरा हम रखेंगे डिस्पोजल डेट और तीसरा रखेंगे पोस्ट। अब सिटन के हवाले से एज आई सेड के कोई ज्यादा तफसीलात गिवन नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया है कि जिस दिन हमने इसको खरीदा तब उसके फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 32 मिलियन थी, और डेट ऑफ डिस्पोजल पे इसकी फेयर वैल्यू 36 मिलियन थी। ये जो पोस्ट में चेंज है ये इसने बताया था कि रिटेन अर्निंग्स की वजह से 3 मिलियन था, यानी प्रॉफिट की वजह से 3 मिलियन था, और बाकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में गया होगा 1 मिलियन, जो टोटल 4 मिलियन बन रहा है। बाकी इसके शेयर कैपिटल वगैरह का हमें कुछ भी इल्म नहीं है। ये हो गया सिटन। अब हम आगे की बातें देखते हैं। लेट्स से हम पहले बात करते हैं गुडविल की, कि किसकी कितनी गुडविल होगी। वी हैव गॉट 3 सब्सिडरीज, पार्क, फेंस एंड सिटन। पहले हम रखते हैं फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब जो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यूज हैं हम उनको नहीं अकाउंट फॉर कर सकते सिर्फ बिकॉज उसमें बाद में कुछ हरकतें हुई हैं। इसने बताया था कि जब हमने पार्क को खरीदा था 60% तो हमने खरीदा था $250 मिलियन में।
हालांकि अब हमारी इन्वेस्टमेंट 340 है क्योंकि 90 हमने मजीद खरीदे हैं, लेकिन वो हमारी गुडविल का हिस्सा नहीं बन सकते। गुडविल सिर्फ तभी कैलकुलेट होती है जिस दिन हमने उसको खरीदा होता है। अच्छा, बाद में आती है फैंस। फैंस को हमने खरीदा था 214 में, हालांकि इसका कुछ हिस्सा शायद $80 मिलियन में हमने इसको कुछ बेचा भी है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू 134 है, लेकिन हम गुडविल उसी दिन की कैलकुलेट करेंगे जिस दिन हमने इसको खरीदा था या जिस दिन हमारे पास कंट्रोल आया था। और इसी तरीके से सिटिन को हमने खरीदा था $39 मिलियन में। द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वॉज इन पार्क वॉज $150 मिलियन। बाकी ये भी 100% है और ये भी 100% है, इसमें से माइनस करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो पार्क की फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 370 है, फैंस की फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 206 है और सिटन की इट्स 32। गुडविल में इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट की कोई खबर नहीं दी गई, बाकी दो तो वैसे भी फुली ऑन्ड है। तो हम अगर फुल गुडविल निकालें तो इट्स 250 प्लस 150, 400 में से 370 माइनस किए, बाकी 30 मिलियन की इसकी गुडविल हमारे पास मौजूद है पार्क की। फेंस इट इज 214 माइनस 206, $8 मिलियन एंड दिस इज $7 मिलियन। इसमें से सिटन की गुडविल को तो हम आगे जाके डीरेकग्नाइज करेंगे क्योंकि हमने इसको 100% डिस्पोज ऑफ कर दिया है, बाकी ये हमारे पास अभी भी कंट्रोल मौजूद है तो इनकी गुडविल एज इट इज हमारे साथ मौजूद रहेगी। अच्छा, लेट्स से अब हम कैलकुलेट करते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई, पार्क का, फैंस और सिटन। उसके लिए हमने रखा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो पार्क को जब हमने खरीदा था तब उसके एनसीआई की फेयर वैल्यू $150 मिलियन थी। फेंस क्योंकि 100% है, एनसीआई नहीं होगा, और सिटन भी क्योंकि होली ऑन सब्सिडरी है तो इसका एनसीआई नहीं होगा। उसके बाद हम रखते हैं इसमें शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट्स। पार्क को हमने फर्दर जो अक्वायर किया है वो किया है जाके 30 नवंबर पे, यानी ईयर एंड पे, तो $56 मिलियन की पोस्ट एक्विजिशन की चेंज है, और उस वक्त तक पार्क हमारे पास 60% था, यानी 40% एनसीआई का अगर हम इसको दें तो 56 का 40% बन रहा है 22.4, बाकी इनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब देखेंगे हमारा जो एनसीआई है वो 172.4 है और इनमें एनसीआई है ही नहीं, क्योंकि हमने चेंज इन कंट्रोल किया है, या इस केस में हमने फर्दर एक्वायर किया है। ये वाला एनसीआई जो कैलकुलेटेड है ये कैलकुलेटेड है 40% पे, लेकिन हमने मजीद कितने खरीदे हैं 20%। तो मैंने आपको समझाया था हम कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, 172.4 ये 40% है तो उसको डिवाइड करेंगे 40 से और मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन एनसीआई, चेंज हुआ है 20 से। तो अगर 172.4 40 है तो बाय 220 अगर हम करते हैं तो ये बनता है 86.2। ये हम एनसीआई से कर देंगे माइनस, क्योंकि हमने फर्दर एक्वायर किया है तो एनसीआई में इंक्रीज नहीं हुई होगी बल्कि एनसीआई में क्या होगी, रिडक्शन, और बाकी हमारा एनसीआई रह जाएगा 86.2 का। खैर, इसको मैं बाद में रखता हूं। अच्छा, फेंस के केस में देखते हैं क्या हुआ है। फेंस के केस में हमने डिस्पोजल किया है,
अब एनसीआई पहले तो था ही नहीं, लेकिन हमने फेंस का कितना फीसद डिस्पोज ऑफ किया है, 25%, और किस दिन पे किया है, 30 नवंबर पे। तो हमने फेंस का देखा कि 210.47 हमारे पोस्ट एक्विजिशन नेट एसेट्स है, सॉरी ईयर एंड के नेट एसेट्स है फेंस के, और उसमें एनसीआई का हम कितना रखेंगे, 25%। अब देखिए एनसीआई पहले है ही नहीं और अब नया एनसीआई बना 210.47 का 25%, जो कि बना 52.6। बाकी सिटन में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं है, तो ईयर एंड पे इसका एनसीआई है 52.6 का और इसका है 172.4, उसका आधा हमने कर लिया था 86.2, तो 86.2 ही बच जाएगा। अब इनकी फर्दर एक्विजिशंस की या डिस्पोजल्स की हम डबल एंट्रीज देख लेते हैं। पहले बात करते हैं फेंस की। फर्दर एक्विजिशन, फेंस के एनसीआई से हमने 86.2 मिलियन का डिक्रीज लिया है, यानी एनसीआई को हमने कम किया है। एनसीआई इक्विटी है, कम होगा तो डेबिट होगा, तो डेबिट हमने किया नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितने से, बाय 86.2 मिलियन डॉलर से। और ये शेयर्स हमने खरीदे कितने में है, लिखा हुआ है फॉर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 90 मिलियन डॉलर्स। वैसे तो क्रेडिट कैश होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट डेबिट कर चुके हैं, तो मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इन फेंस को क्रेडिट कर रहा हूं, जो कि उसूलन होना चाहिए था कैश और बैंक, लेकिन कैश और बैंक को क्योंकि वो क्रेडिट कर चुका है तो मैं दोबारा क्रेडिट नहीं कर रहा, बाय 90 मिलियन डॉलर्स। नाउ वी कैन सी के 86.2 मिलियन से हमारा एनसीआई कम हुआ है और 90 मिलियन के पैसे दिए हैं, तो 3.8 का डेबिट पे डिफरेंस है। वैसे देखा जाए तो ये नुकसान है, लेकिन इफ देयर इज नो लॉस ऑफ कंट्रोल, इफ देयर इज नो चेंज इन कंट्रोल, पहले भी सब्सिडरी थी अभी भी सब्सिडरी है, तो इसको लॉस वगैरह कुछ नहीं बोला जाएगा, बल्कि इसको डेबिट किया जाएगा एज नेगेटिव चेंज इन इक्विटी, और उसको क्रेडिट किया या डेबिट किया जाएगा इन इक्विटी रिजर्व्स, जो कि इस केस में गिवन है OCE। क्लियर है? दूसरा साइड आते हैं, हमने फेंस के केस में डिस्पोजल किया है, लेकिन दैट इज ऑल्सो नो लॉस ऑफ कंट्रोल, एनसीआई क्रिएट हो गया है। पहले हमने डेबिट करनी है कैश, लेकिन डेबिट कैश और बैंक तो हम कर चुके होंगे, लेकिन इसने जो गलती से इन्वेस्टमेंट इन फेंस को क्रेडिट किया है, मैं उसको वापस डेबिट कर रहा हूं। हम देखिए, हमने एनसीआई से ये जो होल्डिंग खरीदी है, ये खरीदी कितने में है, तो ये इसने बताया है कि हमने ये जो एक्विजिशन की है ये 80 मिलियन डॉलर्स में की है, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 80 मिलियन डॉलर्स, और एनसीआई क्रिएट हो गया, यानी हम इसको क्रेडिट करेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को। देख सकते हैं, पहले हमारे पास एनसीआई था ही नहीं, तो हम उसको चेंज डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग एनसीआई वाली परसेंटेज से नहीं, प्रोपोर्शन से नहीं निकाल सकते। तो सादा तरीका क्या था कि जितनी भी आपके पास साल के आखिर में नेट एसेट्स हैं, आप उसकी परसेंटेज एनसीआई को दे दे, जो कि 210.47 का 25% था, और ये बना था 52.6। अब हम देख सकते हैं यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस
क्रेडिट साइड पे आ रहा है 80 माइनस 52.6 का, और ये क्रेडिट का डिफरेंस है 27.4 का, लेकिन इसको गेन नहीं कहा जाएगा, याद रखें, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव चेंज इन इक्विटी। और हमारे पास इक्विटी का अभी रिजर्व है ओसीई, दिस इज सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द शेयर होल्डर्स। ये दूसरा हो गया। तीसरा हम बात करते हैं सिटिन की। सिटिन को हमने डिस्पोज ऑफ ही कर दिया है, लेकिन इतना डिस्पोज ऑफ किया है कि अब के बाद वो हमारी एसोसिएट की शक्ल में दिखेगा, लेकिन क्योंकि यू हैव लॉस्ट द कंट्रोल, तो हम बारी बारी क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेबिट करेंगे कैश, कैश तो आप डेबिट कर चुके हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इन सिटिन को आपने एक अमाउंट से क्रेडिट कर दिया था, मैं उसको रिवर्स कर रहा हूं। हमने सिटिन को बेचा कितने में है, 23 मिलियन डॉलर्स में। ये आ गया 23 मिलियन डॉलर्स का डेबिट, जो कि होना चाहिए था डेबिट कैश और बैंक, क्योंकि वो डेबिट कर चुका है, इन्वेस्टमेंट इन सिटिन को क्रेडिट कर चुका है, तो मैं इसको वापस ला रहा हूं ताकि, क्योंकि मैं उसको 39 पे वापस लेके जा सकूं। डेबिट कर देंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट नाउ, लेकिन ये किस वैल्यू पे रखा जाएगा, फेयर वैल्यू पे, जो कि मैंने जो डबल एंट्री पहले वर्किंग्स में लिखवाई थी उसमें हमने लिखा था फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट। इस केस में वाजे किया गया है कि जो बाकी इन्वेस्टमेंट है उसकी फेयर वैल्यू 13 मिलियन डॉलर्स है, तो आप 13 मिलियन डॉलर्स को रखेंगे एज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और उसके बाद सिटिन जितने भी प्रॉफिट करता है उसका 40% शेयर आप अपने साथ एसोसिएट की तरह क्रेडिट करते आएंगे प्रॉफिट लॉस में। 13 मिलियन डॉलर्स का ये हो गया। अच्छा, एनसीआई था नहीं, नहीं तो अगर होता तो मैं सिर्फ लिख देता हूं कि अगर एनसीआई होता तो हम उसको खत्म कर देते, लेकिन कुछ भी नहीं है बिकॉज हमारा सिटिन होली ऑन था। अच्छा, अब हम क्रेडिट मारते हैं गुडविल को। गुडविल सिटिन की कितनी थी, 7। इसको बोलेंगे बेटा तू जा अब, क्योंकि जिसकी गुडविल तू है वो हमारे साथ नहीं रहा, और क्रेडिट कर देंगे सिटिन के नेट एसेट्स को, क्योंकि सिटिन जब हमारी सब्सिडरी ना रही तो हम उसके अपने एसेट्स में से उसके एसेट्स और अपनी लाइबिलिटीज में से उसकी लाइबिलिटीज निकाल देंगे, जो कि इसने कहा था कि इसके नेट एसेट्स की वैल्यू 36 मिलियन डॉलर्स है। मैंने इसको 36 मिलियन डॉलर्स से मार दिया क्रेडिट। अब हम डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करते हैं, तो क्रेडिट है 36 प्लस 7 का यानी 43, माइनस 23 का डेबिट, माइनस 13 का डेबिट, डेबिट पे 7 मिलियन का डिफरेंस है। इसको हम डेबिट करेंगे एज लॉस ऑन डिस्पोजल, एंड दिस इज द बीटा फैक्टर ऑफ बैलेंसिंग फिगर हियर। क्योंकि वी हैव लॉस्ट द कंट्रोल, तो हम इसको गेन या लॉस कह सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले दोनों केसेस में क्योंकि हमने कंट्रोल का लूज नहीं किया या कंट्रोल का गेन नहीं किया, इट वॉज जस्ट मे अ चेंज फ्रॉम सब्सिडरी टू सब्सिडरी, तो हम उसको गेन या लॉस नहीं कह सकते, हम उसको नेगेटिव या पॉजिटिव चेंज का नाम दे सकते हैं। आगे चलते हैं, गुडविल्स हमारे पास कैलकुलेटेड है, एनसीआई हमारे पास कैलकुलेटेड है, तो हम बनाते हैं ग्रुप रिटेन अर्निंग्स। इक्विटी का हमेशा से एक रूल रहा है कंसोलिडेशन में कि पेरेंट की इक्विटी हमेशा 100% ली जाती है और सब्सिडरी की इक्विटी के पोस्ट एक्विजिशन का शेयर लिया जाता है। इस केस में हमारे पास पेरेंट है पार्क, सॉरी पेरेंट है ग्रेंज,
और क्वेश्चन के मुताबिक ग्रेंज की रिटर्निंग्स है $410 मिलियन, वो एज इट इज आएंगी। दूसरा वी हैव गॉट सब्सिडरी दैट इज पार्क, लेकिन पार्क की हम लेंगे पोस्ट एक्विजिशन। हमने ये देखना है कि पोस्ट एक्विजिशन में कितने महीने हमारे पास 60% शेयर्स रहे हैं और कितने महीने हमारे पास 80% शेयर्स रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने पार्क को 30 नवंबर 2009 तक ही 60% पे रखा है और 30 नवंबर पे ही हमने उसके मजीद 20% शेयर्स लिए हैं। जब तक आपके पास 60 थे आप 60 लेंगे और जब आपके पास 80 होंगे तब से आप 80 लेंगे। यानी अब दिसंबर 2009 से ऑनवर्ड्स जितने भी प्रॉफिट्स फैंस ये कमाएगी पार्क उसका हम 80% लेंगे, लेकिन अब तक उसने जितना भी कमाया है उसका हम अपना शेयर ही लेंगे। सेम गोज विथ फैंस, फेंस के पोस्ट एक्विजिशन में पहले हमारे पास थे 100% और बाद में हमने 25% बेचे हैं। अगेन हम देखेंगे कि 100% कब तक थे, तो वी कैन सी कि 100% तो बिल्कुल साल के आखिर तक चले हैं, एक 30 नवंबर 2009 तक। अब दिसंबर से लेकर जो भी प्रॉफिट फेंस कमाएगा उसका हम 75% लिया करेंगे, लेकिन अब तक हमारा दौरे हुकूमत था 30 नवंबर 2009 तक, हम यहां पे अपना 60 लेंगे, यहां पे अपना 100% लेंगे। तीसरा आता है सिटन, वैसे देखा जाए सिटन को हम डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं, लेकिन सवाल को गौर से देखें तो सिटन को हमने कब बेचा है, उसको भी 30 नवंबर 2009 पे बेचा है। यानी आज तक तो सिटन के 100% शेयर्स हमारे ही पास थे और सिटन का मुझे याद है कि इसने $4 मिलियन का प्रॉफिट किया है, इनफैक्ट $3 मिलियन का प्रॉफिट किया है, $1 मिलियन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गए थे और इसकी हम वर्किंग टू से इसकी फिगर्स पिक करते हैं, जो कि हम देख सकते हैं कि पार्क के वैसे तो 56 हैं लेकिन इसमें से $4 मिलियन ओसीई के हैं। जो ओसीई की वजह से पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस आएंगे वो ओसीई में जाएंगे, बाकी जितने भी होंगे वो जीआरई में जाएंगे। तो ये हो गया 52 का हो गया 60%, 31.2 मिलियन। इसी तरीके से अगर हम फेंस की तरफ देखते हैं तो फेंस की वर्किंग टू में हमारा जवाब आ रहा था 4.47, लेकिन इसमें ओसीई का इंपैक्ट था 8 का। अगर मैं इसमें से 8 माइनस कर देता हूं तो हम नुकसान में आ जाते हैं ऑफ 3.53 और उसका हम लेंगे 100% 3.53। सिटन का 3 मिलियन का इजाफा था प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से और 1 मिलियन था ओसीई की वजह से और ये भी 100% है, तो ये हमने ले लिया 100%। बेयर इन माइंड कि ये सवाल एडजस्टेड है, इसमें से मैंने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स माइनस किए हुए हैं क्योंकि आईसीएमएपी के अंदर इतने सारे स्टैंडर्ड्स कंसोलिडेशन के अंदर नहीं है या एएफएसीआर के अंदर इतने कंसोलिडेशन नहीं है, स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो वो मैंने इसमें से डिलीट कर दिए हैं। और जो हमें डिस्पोजल ऑफ सिटन पे वी कैन सी है लॉस हुआ था, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सिटन 7 मिलियन का लॉस था, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो टोटल 410 प्लस 31.2 माइनस 3.53 प्लस 3 माइनस 7 यह रहा है 433.67। इसके अलावा हम कैलकुलेट करेंगे
ग्रुप इक्विटी रिजर्व अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी. सेम हमने लिया ग्रिंच. वी कैन सी इन द क्वेश्चन कि ग्रिंच की अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी 22 है, वो हमने एज इट इज ले ली 100%. दूसरा वी हैव गॉट पार्क, और पार्क के अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी कितने हैं? 4. हमारा पार्क में हिस्सा कितना? 60%. याद रखिएगा 20% अगले साल से होगा, 2.4 ही आ गया. देन वी हैव गॉट फेंस, फेंस का इक्विटी का रिजर्व है 8 और हमारा इसमें 100% ही रहा है, 75% अगले साल से होगा. और तीसरा सिटन्स, सिटन का पोस्ट एक्विजिशन ओसीई था 1 और 100% 1. ये चीजें होगी. इसके अलावा एज आई सेड कि अगर देर इज नो लॉस ऑफ कंट्रोल या नो चेंज इन कंट्रोल, तो ये जो नेगेटिव या पॉजिटिव चेंजेस हैं वो भी ओसीई में जाएंगे. पहला हम दे सकते हैं नेगेटिव चेंज जो कि किसकी वजह से आया है? पार्क की वजह से. और ये नेगेटिव चेंज डेबिट हो रहा है बाय 3.8. इसके बाद वी हैव गॉट डिस्पोजल इन फेंस, उसमें पॉजिटिव चेंज है. कितना पॉजिटिव चेंज था? 27.4 का. इसके अलावा इक्विटी में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो हम देखते हैं कि हमारा ग्रुप अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी कितना आता है. ये आ रहा है 57. अब हम कंसोलिडेशन की तरफ आते हैं. फॉर्मेट मैंने टाइम सेव करने के लिए बना लिया है कुछ. तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 257 ग्रेंज के पास है, 311 पार्क के पास है, 238 फेंस के पास है. फिर हमें याद है कि फेयर वैल्यू एक्सरसाइज की वजह से पार्क की लैंड 5 मिलियन ऊपर गई थी, फेंस की पीपीई 4 मिलियन से ऊपर गई थी जो कि प्रोविजनल पेंडिंग रिसीट थी, और उसकी डेप्रिसिएशन थी 0.53. ये आ जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ पीपीई. टोटल करते हैं 257 प्लस 311 प्लस 238 प्लस 54 एंड माइनस 0.53. मेरे हिसाब से ये वैल्यू आ रही है 814.47. दूसरा इंटेंजिबल एसेट क्वेश्चन में तो ऐसा कोई नहीं गिवन, लेकिन नीचे एक था फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, फ्रेंचाइज राइट जो कि रिकॉर्डेड नहीं था, लेकिन उसकी वैल्यू थी $10 मिलियन और अमोर्टाइज हो रहा था 3 से, तो इसकी वैल्यू बनती है 7 मिलियन. गुडविल के केस में हमने कैलकुलेट किया था, पार्क की थी 30, फेंस की थी 8 और सिटन की थी 7. लेकिन इसमें से सिटन की वैल्यू, क्योंकि सिटन को हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो वो गुडविल हम वापस माइनस कर देंगे और बाकी इंपेयरमेंट वगैरह कोई नहीं हुई थी, तो हमारी गुडविल की वैल्यू बनेगी 38. सिटन जो कि किसी दौर में हमारी सब्सिडरी थी, 30 नवंबर पे हमने उसको बेचा और बाकी एसोसिएट में अपने पास रखा, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वैल्यू बच रही है वो उसकी फेयर वैल्यू थी जो कि $13 मिलियन थी. तो अब मैं अब के बाद इसमें प्रॉफिट्स को जो होंगे कंसोलिडेट करूंगा सिंगल लाइन बेसिस पे, लेकिन अब तक क्योंकि अब इस दिन से वो मेरी एसोसिएट है तो मैंने इसको इन्वेस्टमेंट एसोसिएट करके दिखा दिया है. इन नॉन करेंट एसेट्स को टोटल करूं तो मेरे हिसाब से इसका जवाब आ रहा है 872.47. नेक्स्ट करंट एसेट्स है. करंट एसेट्स में आई बिलीव ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 475 इसके हैं, 304 है,
एंड 141 मैंने, इसलिए मैंने वाजे किया था कि मैं कैश इन बैंक को यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं कैश इन बैंक को डेबिट करता तो मुझे करंट एसेट्स के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ती, लेकिन क्योंकि कैश इन बैंक के साथ वो ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स कर चुका है तो मैंने इसलिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के साथ ही एडजस्टमेंट्स की हैं। ये बना है 920। टोटल एसेट्स 1792.47 है। अच्छा, बाद में आते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की तरफ। शेयर कैपिटल तारीख गवाह है कि हमेशा पेरेंट का लिया जाता है। सब्सिडरी, क्योंकि सब्सिडरी बनने के बाद शेयर इश्यू नहीं करेगी, इस वजह से हम उसका कोई भी पोस्ट एक्विजिशन शेयर ले नहीं सकते। तो इसके हैं 430 मिलियन के शेयर कैपिटल। ग्रुप रिटेनिंग्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं 433.67। अच्छा, उसके बाद हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज 57। अच्छा, एक चीज जो मैंने मिस की है, दैट इज NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सिटन का तो था नहीं, लेकिन जो हमने वर्किंग्स की थी उस वर्किंग के आखिर में हमारे पास बचा था 86.2 का NCI पार्क का, एंड 52.6 का NCI क्रिएट हुआ था फेंस का। ये यहां पे भी मौजूद है 52.6, और ये 86.2 से डेबिट होके बाकी 86.2 ही रह गया था। अच्छा, इसका टोटल हमारे पास बन रहा है 138.8। नेक्स्ट वी आर डन विथ इक्विटी पार्ट। नेक्स्ट हम आते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज के ऊपर। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में भी एस एच कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो इट इज 172 प्लस 124 प्लस 38 इसका भी टोटल रखे 172 प्लस 124 प्लस 38 334। नेक्स्ट वी हैव गॉट करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में एक है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, इनमें जहां तक मुझे याद आ रहा है कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो अमाउंट हमारा बन रहा है 178 प्लस 71 प्लस 105 354। नेक्स्ट इज प्रोविजंस। जो उसमें मेंशन है वो 10, 6 and 4 है, लेकिन एक नया प्रोविजन जो हमने बनाया था कंटिंजेंट लायबिलिटी का, वो पहले 30 का था और बाद में 5 से रिवाइज हो गए 25 पे आ गया था, तो 30 का हमने प्लस किया और 5 का माइनस कर दिया। इट्स 10 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 25 फेयर। अगर हम इक्विटी वाला साइड टोटल करते हैं, इट्स 433.67 138.8 334 354 एंड 45 इट्स 1792.47 और दोनों साइड्स बैलेंस है। खैर, ये डिस्पोजल्स वाला पार्ट जो कॉम्प्लिकेट लेवल पे आ सकता था, उसको एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, और अगर CBEs हैं तो उसमें भी एक क्वेश्चन आ सकता है। फर्दर आप अपने एंड पे ट्राई करिएगा, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेरी हेल्प मांग सकते हैं। थैंक यू।